आज का जो सब्जेक्ट है माइक, मोबाइल में आवाज कैसे जाती है, दूसरे तक कैसे पहुंचती है, उसके बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। माइक में क्या है, मोबाइल के पीसीबी में माइक की जो सर्किट बनती है, उस सर्किट में हमको ये देखना होता है कि हम जो आवाज बोल रहे हैं हमारी आवाज कैसे पहुंच रही है आईसी तक। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो बोलते हैं वो एनालॉग सिग्नल है, और एनालॉग सिग्नल है जब माइक में जाती है, माइक क्या करती है, उसको डिजिटल सिग्नल में बदलती है। ठीक, माइक से आवाज ना जाने पर सबसे पहले तो हम लोग जो है माइक ही जो है बदल के चेक करें, माइक बदल में दूसरा नया लगा दें, और लगाने के बाद भी जब आवाज नहीं आती, ठीक, तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, अगर आप प्रोसेस हम क्या देखेंगे, देखेंगे कि हमारे मोबाइल की पीसीबी में उसका सर्किट और ये डायग्राम जो कैसे बना, कैसे हमारी आवाज पहुंच रही है। ठीक, तो हम एक बेस ले लिए हैं सैमसंग का SMB310E, ये मॉडल नंबर है कीपैड का, और उस मोबाइल का हम समझाएंगे। अब इसे यहाँ लिखा है माइक, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन, दो लाइन होती है मालूम है, दो पिन होती है, इसका हम छोड़ करते हैं। पहली लाइन हम लोग क्या है, सीधी लाइन में जा रही है, ये सीधी सीरीज, ये लाइन सीरीज और दूसरी लाइन सीरीज, सीरीज में जितने भी कंपोनेंट लगे हैं सबसे पहले हम उनको ढूंढ के चेक करें सही है कि खराब है। अगर ये कैपेसिटर खराब हो जाए, चाहे ये वाला खराब हो जाए, ये वाला कॉइल खराब हो जाए, चाहे हाई वाला कॉइल खराब हो जाए, तो आवाज हमारी नहीं जाएगी, रुक जाएगी। ठीक, अब यह है कि हमको ढूंढना पड़ेगा सर्किट के द्वारा कि इस मोबाइल में ये जो नंबर का कॉइल लगा है, ये कॉइल है कहाँ पर, ये हमको सर्किट डायग्राम से मिलेगा। ठीक है, सर्किट डायग्राम जो हमारी नेट से निकाल के उसको ढूंढेंगे, या बोलनी जो सॉफ्टवेयर आता है बोलनी सॉफ्टवेयर में भी इसका सोल्यूशन और इसकी लाइन दिखा देगा कहाँ कहाँ तक गया है। ठीक, तो हम मान लीजिए ढूंढ लिए हैं कॉइल, तो कॉइल हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये वाला कॉइल हमारे माइक के पहले वाले लाइन में लग रहा है कि हमारी आवाज़ इस कॉइल से होके जा रही है फिल्टर होकर। ठीक है, इस कॉइल को चेक करेंगे, फिर दूसरे वाले लाइन में चीज लगी है उसको हम चेक करेंगे। ठीक, चेक करने के बाद उनको भी लगा कि सही है, तो सही है तो फिर हम इसके सीधे वाले लाइन में जाएंगे, सीधे लाइन में जाएंगे, फिर जाएंगे हम देखेंगे लगा है क्या, लगा कैपेसिटर लगा है C303 और C302, ये क्या है, कैपेसिटर है। तो चीज क्या, ये कैपेसिटर कैसे लगा है, सीरीज में लगा है ना, ये सीरीज में लगा है, यानी यहाँ भी कुछ बताएगा मान और सही होगा तो यहाँ भी कुछ बताएगा, दोनों तरफ बताएगा। अगर ये गई तरफ बता रहा है, एक तरफ एकदम OL लिखा हुआ है मल्टीमीटर, इसका मतलब क्या है, ये कैपेसिटर हमारा खराब है। ठीक, या बज रहा है तभी खराब है, तो इसकी चेकिंग आप क्या होगी, इसको देख के हमको ये लग रहा है कि इसकी चेकिंग यही होनी चाहिए, जो सिग्नल यहाँ से होते हुए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मान कुछ और बताएगा और दूसरे तरफ मान कुछ और बताएगा तब सही है। ठीक, वैसे हम इसको भी चेक कर लेंगे। ठीक है, यही लाइट कभी कभी रुक जाती है, खराब हो जाता है, या फिर हम ये देखेंगे कि ये सब तो सही है लेकिन फिर भी जो है कि हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। ये दो कैपेसिटर ऐसा लगा है कि इन दोनों लाइनों को क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है। ये भी ये वाला जो कैपेसिटर लगा है, इस कैपेसिटर को अगर हम चेक करें, बात करें चेक करने की, तो इस कैपेसिटर कैसे बताए, इस कैपेसिटर के एक तरफ यहाँ पे जब हम इस वाले लाइन पर रखेंगे तब बताएगा, और इसके दूसरे वाले कोने पे इसके माइक के दूसरे पिन पर रखेंगे तब बताएगा। देखने में पता चल रहा है कि कैसे बताएगा, दोनों लाइन के बीच में लगी है, यानी दोनों लाइन को फिल्टर कर रहा है। अगर ये खराब हो जाए, शॉर्ट हो जाए, तब भी हमारी आवाज़ नहीं जाएगी, या फिल्टर नहीं करेगा तब भी नहीं जाएगी, ये शॉर्ट हो जाएगा तो दोनों लाइन को शॉर्ट कर देगा तब भी आवाज़ नहीं जाएगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को ढूंढा जाता है। पहला स्टेप यही है, माइक बदल लीजिए, बदल के देख लीजिए आवाज़ चली गई ठीक, लेकिन 90% बीमारी आपकी सही हो जाती है माइक बदलने से, उसके बाद नहीं जा रही है तब जाके दिक्कत होती है। तो हमारा दूसरा जो स्टेप होगा
बनाने का इसको दूसरा इसे यही होना चाहिए कि अब हम इसको ट्रैक ढूंढेंगे हर मोबाइल में, हर मोबाइल का हर चीज का ऐसे ही ट्रैक का वो बना हुआ है लाइन, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जीना डायमंड लगा है, ये जेड डी, ठीक है, ये भी हमारा क्या है जेड डी यानी जीना डायोड। अब जीना डायोड भी कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, तो ये वाला कंपोनेंट जितने भी कंपोनेंट जो अर्थिंग दिखाई दे रहा है कि एक पिन अर्थिंग है, जैसे ये एक पिन अर्थिंग है, यहाँ एक पिन अर्थिंग है, यहाँ एक पिन अर्थिंग है, यहाँ एक पिन अर्थिंग है, ये सारी अर्थिंग वाली पिने और ये सब मिल के क्या कर रहा है, वो फिल्टर वर्क कर रहा है, ठीक है, फिल्टर। अब दूसरा जो दिख रहा है यहाँ लिखा है 2V3 यानी माइक बायस, ये माइक के माइक का ये वोल्टेज है, हम बताए ना कि अगर वी लिखा हो इसका मतलब ये है कि 2.3 वोल्ट, यानी कि जो लाइसेंस लगा है 303 नंबर का, यहाँ हम अगर वोल्टेज चेक करें सप्लाई देके डीसी मशीन से तो वोल्टेज कितना बताया है 2.3 बताएगा, यहाँ भी क्या बताएगा 2.3 बताएगा, यहाँ भी क्या है 2.3 बताएगा, ठीक है। और इस वाले कैपेसिटर एक कलर भी क्या बताएगा 2.3 बताएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ज्वाइंट है, ठीक है, यही था ये सब पे ज्वाइंट है तो तभी सब पे बताएगा ना, ये सप्लाई बताएगी, ये सप्लाई हमारी रुक जाए चाहे ये वाला रेजिस्टेंस खराब हो जाए तो सप्लाई ही रुक जाएगी, जब सप्लाई रुक जाएगी तब भी हमारा माइक काम नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें हमको चेक करना होता है, या आपको सोचना पड़ेगा कि माइक जो लगा हुआ है माइक के लिए कुछ वोल्टेज आया होगा, वो वोल्टेज कहाँ से आया है, वो वोल्टेज जहाँ से आएगा हमको सर्किट डायग्राम से ही पता चलेगा, कोई देख के जो है कि अंदाज से नहीं बता सकता कि कहाँ से, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी क्या है बिगिनर है, अभी हम लोग सीख रहे हैं, जब सीख लेंगे 100-150 मोबाइल जब बना लेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके बाद अनुभव हो जाता है, उतना सर्किट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिक कहाँ हो सकता है, ठीक। अब क्या है हम लोग एक एक कंपोनेंट को चेक कर लिए, सही सही है, अब हम ट्रैक चेक करेंगे, ट्रैक चेक करने के क्या है मल्टीमीटर को रख देंगे कंटिन्यूटी लाइन पे, रखने के बाद कोई भी एक ब्लॉक एक लाइन पर रख देंगे माइक के एक तार पे, एक कोने पे। अब दूसरे वाले क्लास से हम जो क्वायर चेक किए थे क्वायर के दोनों तरफ फिटिंग चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे मीटर बजेगा, इसके दूसरे तरफ भी चेक करेंगे मीटर बजेगा, ठीक। अगर इस डायोड के इस तरफ चेक किया गया तो यहाँ क्या बजेगा, यहाँ नहीं बजेगा, ठीक। दूसरी बात ये कैपेसिटर में जाए कैपेसिटर भी जाएगा, इस कैपेसिटर के लिए हम यहाँ रखेंगे तो बजेगा, यहाँ भी बजेगा, यहाँ भी बजेगा, यहाँ भी बजेगा, यहाँ भी बजेगा, यानी जो बज रहा है इसका मतलब ये लाइन हमारी सही है। तो वैसे ही हम दूसरे वाले को भी फिर चेक करेंगे, सब पे बजेगा एक जैसे ही सही, जब हम देख रहे हैं जब हम पता चला कि जब यहाँ चेक किए हैं तो यहाँ तो ठीक है बजा, यहाँ भी बजा, यहाँ भी बजा, यहाँ भी बजा, लेकिन कैपेसिटर के यहाँ तक आया है यहाँ नहीं बजा, यानी मान यहाँ से बताया और यहाँ से बताया नहीं, इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर हमारा खराब हो गया है, कैपेसिटर जहाँ लगा है इसे कैपेसिटर, तो इस वायर से ही जहाँ से आपको नजदीक पड़े अगर यहाँ तक बजा है इस कैपेसिटर पे तार जोड़ के ले जाकर इस कैपेसिटर दूसरे वाले सीधे यहाँ पर पॉइंट तार जोड़ देंगे, वही जंपर वायर होता है उसी में जंपर कहा जाता है, ठीक है। और वही प्रक्रिया हम इसमें भी करेंगे, इसमें जहाँ ब्रेकिंग है उसमें तार जोड़ेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा खराबी आपकी एक वायर सही होती है, ये कोयल ही नहीं बचता है, ठीक। तो यही भी जो है तार जोड़ के आप पॉइंट के दूसरे तरफ या इस कैपेसिटर का जो देने चाहे इसको जोड़ देने चाहे इसको जोड़ देने चाहे इसको जोड़ देने चाहे इसको जोड़ देने, ठीक है, हो सकता है ना, हो सकते हैं। तो बस यही प्रक्रिया हमारे मोबाइल से जंपरिंग का मतलब यही है, जंपर इसलिए लगाया जाता है, जंपर वायर इसलिए लगवाए, जंपर वायर पतला वायर होता है बाजी सा वायर होता है, उसमें देखने पर भी एक रेंज जितना आपको यूज करना होता है बस उतना ही साफ करते हैं सोल्डर से और वहाँ पर माइक्रो सोल्डिंग करता है, माइक्रो सोल्डिंग आया जैसे पतले वाले तो ये देख के जो है समझ में आ गया होगा माइक कैसे काम करता है। अब लास्ट लिखा है माइक पी या माइक एन, इतना होने के बाद ये कहाँ जाती है हमारी आवाज, आपके आईसी में जाती है, चली गई आईसी में। अब आईसी क्या करेगी, अब आईसी उसको जो है
कोडिंग डिकोडिंग करेगी, उसको आप सिग्नल बनाएगी आवाज ऑडियो का, और आपके नेटवर्क के ही जरिए फिर से एनालॉग होके बाहर निकल जाती है जो दूसरे को दिखाई दे। बस ये है माइक का। क्या हम यही चीज हम लोग किसी भी पर देखेंगे कि ये सारे कंपनी हम ढूंढेंगे कैसे कहाँ है वो चीज़, ठीक, तभी हम मीटर से चेक कर पाएंगे। ठीक है।